हेलो, इट्स अ शो टाइम। नमस्कार, मेरा नाम काव्य है। आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, थैंक यू सो मच। सैटरडे संडे थोड़ा सा ब्रेक हो गया था ना? नहीं, सैटरडे था, मैं संडे मंडे ब्रेक हो गया था। ओके, हाँ, थोड़ा सा यार काम हुआ, बिकॉज इस वक्त पे आपको मालूम है ज्यादातर काम जो है आधा ऑफिस से होता है, आधा घर से होता है, और डिजिटली थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहते हैं अलग अलग चीजों को करने में। इस वजह से आप लोगों के पास रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आज साउंड चेक विद काव्य सीजन 2 का 7th एपिसोड है और बहुत कमाल का होने जा रहा है, क्योंकि मेरे दो फेवरेट लोग आज आपके लिए परफॉर्म करने जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं हर रोज की तरह, जिनके कॉमेंट मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, इंतजार चल रहा है बिल्कुल। और साथ के साथ न केवल यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये देखिए आप, बहुत सारे और बाहर से भी, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, बाहर से भी तमाम सारे लोग देख रहे हैं। यस, सभी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप सबको थैंक यू जो लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इससे मालूम चलता है कि आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं हमारे सारे आर्टिस्टों को, मेरे को, इन प्लेटफॉर्म्स को जहां पर हम आपको दिखाई देते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और आरजे काव्य फेसबुक पेज पर। साथ ही आप हमारे दोनों आर्टिस्ट स्वरूप पांडे और दीपा धामी के पेजेस पर भी इस वक्त देख रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम जरा किया जाए मेरे साथ इस वक्त, ये स्वरूप, वेलकम। हाँ हेलो हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? हाँ कैसे हो? कैसे हो? बस बस, सब बढ़िया। परफेक्ट। तो हल्द्वानी से इस वक्त स्वरूप जुड़ गया है और साथ में दीपा धामी हमारे साथ में, ये देहरादून से। दीपा जरा स्क्रीन सही करो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ नेटवर्क इशू है और इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा अच्छा ठीक है। है। अच्छा तो ठीक है। तो हाँ, तब तक मैं आपका माइक जरा म्यूट करता हूँ। स्वरूप के साथ में शुरुआत करेंगे। तो स्वरूप, कैसा चल रहा है इस वक्त? डिजिटली सब लोग एक्टिव हैं और आप तो बहुत सारे चीजें इंस्टाग्राम वगैरह पे लगातार करते रहते थे। ये पूरा लॉकडाउन का जो सीजन है वो किस तरह से किस रहा है तरह से रहा आपके लिए? है आपके लिए? लॉकडाउन का जो सिलसिला चला है मेरे लिए बहुत काफी प्रोडक्टिव रहा है और पहले से ज्यादा मैं म्यूजिक पे ध्यान दे सका हूँ और काफी गाने बनाए मैंने इस बीच, तो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। मतलब मुझे काफी टाइम मिल गया, ज्यादा बाहर मैं जाता भी नहीं था और काफी अच्छा रहा मेरे लिए। हे, एम आई ऑडिबल? यस, आप सुनाई दे रही हैं। सो दीपा, आपके लिए कैसा रहा इस लॉकडाउन के पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया? दीपा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, अभी ये बताइए। तो कैसा रहा आपका लॉकडाउन का पीरियड, कैसा रहा? जो हमारा लॉकडाउन का जो ये टाइम ड्यूरेशन था, हमारे लिए था नहीं, अभी भी है, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वी आर इन अ पैरामिलिट्री फोर्स। तो मेरे पापा फोर्स में है, तो हमारा कैंपस है वो यही है और यहाँ पर अभी भी उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस है जितनी डे वन में थी। सो हम लोगों के लिए अभी भी वैसा ही है। हम लोगों के लिए सारी चीजें हमारे कैंपस के अंदर है, तो वी आर फुल्ली लाइक क्वारंटाइन। राइट, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस जो चाहने वाले हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वरूप भी रीड कर रहे हैं कमेंट्स को। ये जेलिन कुछ नाम है इनका यार, ये आपको देख रहे हैं और ये यहाँ से शाउट आउट पब्लिक मार रही है। स्वरूप स्वरूप हो रहा है, साथ में दीपा के लिए भी बहुत सारे आ रहे हैं। यस, तो शुरुआत करी जाए स्वरूप हल्द्वानी से इस वक्त हमारे साथ। तो स्वरूप, तुम्हारे साथ ही क्या सुनाओगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले एक पहाड़ी मैशअप, मैंने कुमाऊनी सॉन्ग्स का तैयार किया हुआ है, उसको जरूर सुनाना चाहूंगा। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला,
गुलाबी मुखड़ी के भले जाचिरे नाक की नथुली के भले जाचिरे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला पहाड़ा की चेलीले पहाड़ा की बारी रे कबे नी खाया दुई रोटा सुखे कबे नी खाया दुई रोटा सुखे पहाड़ा की चेलीले पहाड़ा की बारी रे कबे नी खाया दुई रोटा सुखे कबे नी खाया दुई रोटा सुखे पहाड़ा की चेलीले पहाड़ा की बारी रे अरे रे रे चूड़ी तेरो हाथ मा चमकनी बिंदिया तेरो माथ मा चमकची चूड़ी तेरो हाथ मा चमकनी बिंदिया तेरो माथ मा चमकची तू 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 अरे तू 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 किले तड़ पहुंची दिल 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 किले धड़को छी तू 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 किले तड़ पहुंची दिल 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 किले धड़को छी नैनीताल की माधुली हिट मेरे दा गाना नैनीताल की माधुली हिट मेरे दा गाना घूमिया लिधारी चूला लेनुमा हो घूमिया लिधारी चूला लेनुमा नैनीताल की माधुली हिट मेरे दा गाना नैनीताल की माधुरी हिट मेरे दा गाना घूमिया लिधारी चूला लेनुमा हो घूमिया लिधारी चूला लेनुमा भलु लगदु बनुली तेरो मठु मठु हिटोणो हे भलु लगदु भलु लगदु बनुली तेरो मठु मठु हिटोणो हे भलु लगदु भलु लगदु भलु लगदु भलु लगदु भलु लगदु भलु लगदु भलु बेड़ु पाको बार मासा बेड़ु पाको बारु मासा ओ नरण कफल पाको चेता मेरी चेला ओ नरण कफल पाको चेता मेरी चेला अलमोड़े की नंदा देवी अलमोड़े की नंदा देवी ओ नरण फूल चढ़ूल पाती मेरी चेला ओ नरण फूल चढ़ूल पाती मेरी चेला ओ बिना कस के जानू घर हटा ओ बिना कस के जानू घर हटा हिट साली को तीक जानू द्वार हटा हो हिट साली को तीक जानू द्वार हटा दैट वाज इट वाह जी वाह क्या बात है थैंक यू कमाल मतलब इतने सारे कमेंट लगातार आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और तमाम सारे लोग तुम्हारे पहले से फैंस हैं जिनको तुम्हारा म्यूजिक पसंद आता है कितना अच्छा लगता है जब डिजिटली आप परफॉर्म करते हो एंड लाइव उसी वक्त बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं इतना सारा प्यार मिलता है तो उस वक्त क्या लगता है कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं
बिल्कुल, इससे चीज से बहुत मोटिवेशन मिलती है, जब भी कोई गाए ना ही डिजिटली सामने भी, अगर हम गाते हैं किसी के सामने तो अगर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने का प्रेरणा जागती है, ऐसे तो अच्छा लगता है। एंड आई थिंक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, हमारी मुलाकात तकरीबन 1 साल पहले इससे पहले हुई थी, जब तुम हमारे स्टूडियोज में आए थे, और उपदेश जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और तुम भी जानते हो, और साथ में तुम लोगों ने काम भी किया है। जो सबसे कमाल की बात मैं देख पा रहा हूँ स्वरूप, तब से लेके अब तक ऑब्वियसली मैं फॉलो करता हूँ तुम्हें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखता रहता हूँ, जो एक वोकल में भी मच्योरिटी है, ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो जिसको कहते हैं मच्योरिटी और एक निखार जो आया है, वो अपने आप में बड़ा कमाल है। एंड मुझे लगता है कि शायद अगर कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में या इस तरह से सुन रहा हो, या उत्तराखंड में भी लोग अच्छे म्यूजिक कंपोजर सुन रहे हो इस वक्त, क्योंकि हमारे पेज को ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोग फॉलो करते ही हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हो सकता है तुम्हें कोई ना कोई कॉल करेगा और कहेगा कि यार स्वरूप चलो साथ में एक गाना करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। एक्चुअली जब भी एक साल पहले जब भी मैं सीजन 1 में आया था, तो काफी बूस्ट मिला मुझे, लोकल रीच काफी अच्छी मिली थैंक्स टू उत्तर का पुत्र। ये बहुत मेरे लिए बहुत काफी कारगर साबित हुआ, और बस यही सिलसिला जारी है तब से। राइट और बड़े सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स को हाईलाइट कर देता हूं, उसके बाद दीपा के पास जाएंगे। ये आपके लिए कमेंट आया है अच्छा ये मेरे लिए था, सॉरी मुझे लगा आपके लिए आया है, आपके लिए ये वाला आया है। ये इनका नाम क्या है आप जानते हो, कौन है ये? क्रिस्टल, क्रिस्टल, शी इज फ्रॉम फिलीपींस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे, मैं इनको धीरे धीरे हाईलाइट करता रहूंगा। तब तक जो है दीपा, यस दीपा आ चुकी है, दीपा को कनेक्ट किया हमने। दीपा आपका यार क्या नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, आई थिंक आपके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, दीपा एक बार देखो। यस दीपा आ गई है। तो दीपा कौन कौन से गाने के साथ शुरुआत होने वाली है आज की शाम की? मेरा फेवरेट सुनाओगी क्या, जंदी या वाजू? वेल गाने तो मेरे पास बहुत है। आप मुझे बताइए क्या सुनना चाहेंगे, कुछ पहाड़ी सुनना चाहेंगे, कुछ हिंदी सुनना चाहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा। चलो एक एक पहाड़ी, पूरा गाना नहीं, आधा पहाड़ी और आधा हिंदी कर लेते हैं, है ना, फिर आगे और करेंगे। बॉलीवुड, एक पहाड़ी और एक बॉलीवुड चलेगा। हेलो हेलो जी दीपा शुरू करो। ओके
आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है दीपा, आपको वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार फिर से बेटर नेटवर्क के साथ। ये थोड़ा सा पहाड़ों में दिक्कत हो जाती है कि जो व्यूअर्स हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके इष्ट के बीच नेटवर्क की बेकार दीवारें आ जाती हैं। है स्वरूप, सही बात बोली आपने। म्यूट म्यूट और म्यूट। यस, दीपा बहुत अच्छा गाती हैं, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है जो गाने नहीं दे रहा है उनको, तो थोड़ी सी देर में वापस से भी दीपा को कनेक्ट कर रहे हैं हम, तब तक स्वरूप के पास आ रहे हैं। सो दीपा आ गई, एक बार मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दीपा आवाज आ रही है आपको? अरे तुमने दो दो जगह से कनेक्ट कर दिया। ये नेटवर्क इश्यू है। यस यस, एक सेकंड। ओ शिट, मैंने कहीं और से हटाया, उसने दूसरी जगह से हटा दिया, दोनों जगह से हट गए। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बहुत बढ़िया, तमाम सारे लोग बहुत सारी जगहों से देख रहे हैं। तो सजना सुनाओगे या क्या सुनाओगे, नेक्स्ट क्या सुनाने जा रहे हो स्वरूप? सजना, सजना कौन सा? साजना बोले थे लोग। ओके, मैं सैड गाने का मूड नहीं है मेरा, बहुत हैप्पी सा वाइब हो रही है अभी। राइट आज कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आज बड़े खुश लग रहे हो, मेरे को ये बताओ वजह क्या है? पहले पनीर खाया है तुमने? पनीर कभी कभी मिलता है, पनीर खा लेते हैं, पनीर मेरी फेवरेट डिश है इसलिए लोग बोलते हैं पनीर पर। मेरी खुशी का मौका यही है कि यहाँ पे लाइव कर रहे हैं आपके साथ, तो सिर्फ भी खुशी का मौका कहाँ। तो क्या क्या सुनाएंगे नेक्स्ट, क्या सुनाना चाहेंगे नेक्स्ट? एक गाना है मैं रंग शरबतों का, ओहो काफी पसंद है मुझे। बहुत बढ़िया, ओके। ख्वाब है तू नींद हूं मैं, दोनों मिले रात बने रोज यही, मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ओ मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैंने तो धीरे से नीरों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं आ जा हिस्से में तू मेरे। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ओ मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। बहुत कमाल, बहुत कमाल है। दीपा भी आ गई एक बार फिर से। दीपा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। अच्छा तो स्वरूप का गाना कैसे लगा पहले ये बताओ, कैसा लगा और कहां लगा? वेरी नाइस। कहां लगा?
ये एकदम इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा है आवाज में, बट फिर भी स्वरूप का गाना बिल्कुल एकदम मतलब आया मुझ तक और छंद से अच्छा एकदम फैल गया माहौल में और खुश कर दिया। क्या बात है, बहुत स्वरूप बढ़िया। सो अब दीपा क्या की सुनाने बहुत वाली बड़ी है? फैन की सिस्टर है। कुछ कह रहे हो? हाँ या उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं, थोड़ा सा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल भी हूँ मैं, पर ख्वाब बिजली बादल झूठे झूठे फूलों की सौगात, सच्ची तू है सच्चा मैं हूँ सच्ची अपने दिल की बात, दस्तखत हाथों से हाथों के कर तू ना करना खूब पलकों के पर्दे तू, क्या ये इतना बड़ा काम है हैरान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होंठ के रंग से, वो खुशबू क्या खुशबू ठहरना जो तेरी सांवरी ज़ुल्फ़ के रूबरू, मेरे आगे दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू न होगी किसी की थी, अब ये जाहिर सरेआम ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में तेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। थैंक यू सो क्या मच। बात यार दीपा। अच्छा जितने लोग देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक्चुअली थोड़ा ऑडियो और वीडियो सिंक नहीं हो रहा है, तो गा दीपा ही रही है, कहीं आप ये ना सोचो कि गा कोई और रहा है, दिख कोई और रहा है। लेकिन बहुत 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 सारे कमेंट आ रहे हैं। शाश्वत पंडित, यस, तो हमारे साउंड चेक सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में शाश्वत आए थे और कह रहे हैं कि दीपा को बचपन से सुना है, जिस तरह से लड़की ने मेहनत से एक मुकाम बनाया है वो काबिले तारीफ है, जियो बहन शानदार गायकी। क्या बोलोगे शाश्वत के लिए? थैंक यू शाश्वत भैया, लव यू। क्या बात है। अच्छा एक कोई कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सुनील कुमार कावी जी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे कई नए कलाकारों की कलाकारी अभी आप तक पहुंची नहीं है, वरना आप मौका ना दो अपने साथ जुड़ने का, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे फेसबुक पेज जहां पर भी आरजे कावे या उत्तर कबूतर, जहां पर भी अपना जो भी आप काम करते हैं, कई दफे हो जाता है देखिए मेरी नजर भी नहीं पड़ पाती है, हालांकि चार चार नजरें लेके चल रहा हूं, पर फिर भी भेजिएगा, क्या पता कि कुछ बेहतर नहीं, हो यू आर जाए। डूइंग अ वेरी गुड जॉब भैया। अबे तुम तो घर वाले लोग हो यार, तुम क्या तारीफ कर रहे हो, तुम मत क्या करो, बाहर वालों को करने दो। ऐ स्वरूप, तुम लोग तारीफ करोगे ऐसा लगेगा इसने जबरदस्ती तारीफ के लिए बुलाया इन लोगों को, ये वाले। सो आगे बढ़ते हैं, स्वरूप की तरफ आऊंगा और उसके बाद दीपा से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत दिनों बाद आज ये दोनों आए हैं। एक कमेंट जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं आप दोनों लोगों के लिए कि वो कहीं हट गया है। सो मैं बोल के ही बता देता हूँ, स्वरूप भी जानता है, हमारे उपदेश जो है यूवी म्यूजिक, वो आपकी जबानी एक गाना सुनना चाह रहे थे, लेकिन मैं सोचता हूँ उससे पहले उपदेश और आपने एक गाना
आज का दिन बड़ा खूबसूरत और उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है, नैनीताल झील के ऊपर आपने शूट किया है, तो एक दफे वो सुनते हैं। उसके बाद दीपा की जबानी जो उपदेश ने ही बनाया है गाड़ो गलो बंदा, वो भी सुनेंगे। तो पहले स्वरूप की तरफ आ रहा हूँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस स्वरूप उपदेश के साथ काम करने का, और उसके बाद में जो हमारे देखने वाले, मैं बता दूं उपदेश हमारा दोस्त है मेरा, हम लोग साथ में ही काम करते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि तुम तो मालिक हो भाई यूवी म्यूजिक कंपनी के मालिक, मैं तो एम्प्लॉई हूँ। सो हम लोग आपस में मजाक करते रहते हैं। सो वैसा कैसा रहा एसोसिएशन उपदेश के साथ, और शूट का कैसा रहा नैनीताल में? वेल, काफी मजा आया, और जो उदेश सर हैं वो काफी सपोर्टिव हैं। जब भी म्यूजिक, जब मैं देहरादून आया था तो काफी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड और म्यूजिक तब बढ़िया बनाया उसका, काफी मेहनत लगी उसके पीछे, और एट द एंड वीडियो भी काफी अच्छी शूट हुई, तो खुशी मिलती है अगर वो उसको इतना प्यार मिला तो काफी अच्छा लगा, मजा आया काम करके। तो वही गाना हो जाए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके आज का दिन तू होली घर पना, आज का दिन तू होली घर पना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, आज का दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना। आँख मासू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, आँख मासू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, घुट घुट मके बटुली दे गए, घुट घुट मके बटुली ले गए, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, आज का दिना तू होली घर पना, आज का दिना तू होली घर पना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना, ओ याद आली मकेनी तेर बिना। यस, तो याद आएगी थैंक यू तुम्हें मेरे बिना, बिल्कुल याद आएगी। सो बहुत सारे कमेंट उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल और स्पेशली फेसबुक पे तमाम सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं यार, ये जिस स्ट्रीम के थ्रू हम जिसके थ्रू स्ट्रीम कर रहे हो इंस्टाग्राम को अलाउ नहीं करता है। सो फेसबुक यूट्यूब पे आप देख पा रहे हैं, उसके लिए सो सॉरी कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं देख पा रहे, बट कोई बात नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो दीपा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने भी उपदेश के साथ एक बहुत ही कमाल का गाना गाड़ो गोलो बंदा जो गाया था, और मेरे को पर्सनली बड़ा पसंद आया, उसका वीडियो बहुत अच्छा बना था और बड़ा खूबसूरत। कैसा रहा वो गाना जो है आप लोगों ने बनाया, और बहुत जगहों पे आई एम श्योर तुम परफॉर्म भी करते होगी, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और फिर वो गाना सुनाओ। वेल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि उपदेश भैया से ज्यादा क्रिएटिव और कम जैसे कहते हैं कम रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना मैंने और कहीं नहीं देखा। उपदेश भैया जैसे करते हैं ना, एकदम उनके पास अगर आप उन्हें एक पेन भी दे दोगे तो भी वो गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब ही कैन डू एनीथिंग, लाइक ही कैन क्रिएट म्यूजिक विद एनी ऑब्जेक्ट, ये उनका टैलेंट मैंने देखा पहला। और दूसरा, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ प्रोफेशनली कनेक्टेड हुई थी मैं जस्ट बिकॉज आपके थ्रू। और उसके बाद सेकेंडली,
बट उनके साथ पर्सनली भी बहुत अच्छे टर्म्स बने और फैमिली वाइज लाइक पर्सनल बहुत अच्छी बॉन्ड रहा उनके साथ काम किया. बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हाँ कुछ कर रहे हैं. उन्होंने हंसते खेलते सारा का सारा काम एकदम आसानी से करवा दिया. जहाँ गलती हुई थी वहां पर डांटते भी थे, संभालते भी थे. हाँ उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है बट ही इज सच अ नाइस लवली पर्सन. और ये वाला नहीं बोलना था यार. और जैसे हमारा ओ ये नहीं बोलना था, आपने पहले बताना चाहिए था मुझे. बट ओके ये आजकल के बच्चे इनकी अपनी जबानों पे कंट्रोल नहीं रहती. नहीं दी कई बात नहीं, मैं घर जाके माफी मांग लूंगी. ठीक है तो आगे बढ़ा जाए. शूट था दैट डे. उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी. ये हमारा मेमोरेबल बहुत ज्यादा वो था. उस दिन हम लोग को था कि शूट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट भगवान की दया से हो गया. बट बहुत अच्छा, काफी अच्छा उन्होंने किया. सो आई विल सिंग दैट सॉन्ग. श्योर. स्वरूप इसके बाद जबरदस्त. क्या बात है, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं आप दोनों के लिए, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं. मतलब मैं परेशान हो जा रहा हूँ देखते देखते कि जब तक एक पढ़ो तब तक दूसरा आ जा रहा है. सो बहुत कमाल है. एंड आई थिंक जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का सेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है लगातार. एंड जब आप इसको कल तक देखोगे आपको मालूम चलेगा कि क्या तहलका मचा दिया आपकी पब्लिक ने. सो बहुत कमाल है. एंड आई थिंक एक आर्टिस्ट को इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं होता है. और जो उनके फैंस होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, उनको भी यही चाहिए होता है कि उनको लगातार एंटरटेन किया जाए. सो आगे बढ़ रहा हूँ. एक गाने की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है स्वरूप, वो गाना ले लेते हैं. अच्छा, जितने भी स्वरूप और दीपा के फैंस हैं, आप दोनों को बोलना चाहूंगा, इन दोनों के साथ हमने पहले भी सेशन किए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो जो मेरा चैनल है उत्तर का पुत्तर यूट्यूब पे, वहां पर आप देख सकते हैं. जब स्वरूप हमारे स्टूडियो में आया था तो वो भी आप सेशन देख सकते हैं, और दीपा भी जब मेरे स्टूडियो में आई थी वो भी आप देख सकते हैं. तो उत्तर का पुत्तर पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करके वहां पे आपको दिख सकता है. यस, स्वरूप के पास आ रहा हूँ. तो टक टकाटक कमला की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो स्वरूप हो जाए. फौजी ललित मोहन जोशी का गाया हुआ गाना आज गाएंगे स्वरूप पांडे. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली आज से पहले जब भी मैं लाइव जाता था इंस्टाग्राम पे, तो अपने फैंस के सामने, तो दो गाने हमेशा, आज का दिन और टक टकाटक, तो आदत सी बन गई है. तो हमेशा बोलते हैं पहाड़ी में, तो टक टकाटक कमला आज का दिन, तो आज का दिन हो गया टक टकाटक कमला की बात.
टक टका टक कमला बाटुली लगाए, टक टका टक कमला बाटुली लगाए, परदेसमूलों का मैं घर बुलाए, परदेसमूलों का मैं घर बुलाए, टक टका टक कमला बाटुली लगाए, टक टका टक कमला बाटुली लगाए, परदेसमूलों का मैं घर बुलाए, परदेसमूलों का मैं घर बुलाए। मैं गाना भूल गया, पता नहीं कैसे। वो था ना, जब आली दा गाड़ा परदेस घूमोला, आई थिंक ये जब आली दा गाड़ा परदेस घूमोलो, जब आली दा गाड़ा परदेस घूमोलो, माया की जारे मा घर बार बनोलो, माया की जाले मा घर बार बनोलो, टक टका टक कमला बाटुली लगाए, परदेस मूलों का मैं घर बुला। हो जाता है कभी कभी लाइफ में, ये हो जाता है राइट। आ लड़का खुश लग रहा ना, भूल गया उसके चक्कर में। हाँ ध्यान सारा स्क्रीन और गिटार की तरफ, यही तो लाइव है। बिल्कुल राइट। तो दीपा अब तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है, क्या सुना होगी? अब मैं कुछ ये मुझे आज किसी ने कहा था, स्पेशली मेरे एक भैया, उन्होंने मुझे कहा था जब मैंने वो पोस्टर शेयर किया था, उन्होंने मुझे एक गाना गाने के लिए कहा था, तो मैं उनके लिए गा रही हूँ ये गाना, उन्हें बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद आएगा शायद। मेरा यार है रब वरगा, इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, इको ही गले अल्फु अल्लाह, 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 अल्फु अल्लाह। नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मैंने आँख से कटक लिया उस हुस्न का पानी, तुझ तकते 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 उम्र गुजारूं, कोई और ख्याल जो आए सर से उतारूं, इश्क करूं या करूं इबादत, करूं या करूं इबादत, इको ही गले अल्फु अल्लाह, 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 अल्फु अल्लाह। वाह जी वाह। ओ नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी, मतलब क्या लिखा है यार ये। और मैं आप लोगों को बता दूं, आई एम श्योर आप लोगों को ध्यान होगा, इसके जो राइटर हैं प्रसून जोशी, वो अपने अल्मोड़ा के ही हैं, भाग मिल्खा भाग के जो गाने लिखे हैं, और एक एक गाना मतलब अपने आप में कमाल लिख दिया, ऐसा लिख दिया कि क्या कहें। हैं जी,
इसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, प्रकाश कुरंगा कह रहे हैं कि धामी जी कोई उत्तराखंडी गाना सुना दो। अच्छा, स्वरूप से एक और मैशअप की उम्मीद करी जा रही है, अब देखते हैं कि उम्मीद है पूरी होती है कि नहीं होती है। मैशअप में यार वो जरूर लगाना, वो बड़ा मेरे को पसंद आता है, माही माही मेनू, वो तुम्हारी आवाज में तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोशिश करूंगा, मैं देखता हूं कि अगर लिरिक्स बीच में भूल ना पाऊं तो पहले उसकी गा दो, बिल्कुल पहले दो लाइन उसकी गा के फिर मैं सब शुरू कर दो। हाँ जरूर। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड़ियो ना, कि तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना, जिथे भी तू चलना वे माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, ओ माही वे, ओ माही वे। ये माही मुझे इतना आता है, बाकी मैं और गाने सुना देता हूँ शब्द में। बिल्कुल। ओके, उपदेश सर ने रिक्वेस्ट करी थी खैरियत सॉन्ग था, एक मैंने देखा था, तो खैरियत से स्टार्ट करता हूँ। हाँ खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तै मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। वो खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो, पर इश्क को हमारे नजरों के सामने में आता नहीं, तुम्हारे मगर रहते हो हर पल मंजर में, तुम हमारे घर इश्क से है मिला, फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। वो खैरियत पूछो कभी तो, कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। यस, सो जब जब यू नो स्वरूप, ऑनेस्टली बोलूं, आप जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को मैं देखता हूं जब आप परफॉर्म करते हैं,
एक चीज मैं इस उम्मीद की तरफ, और एक जिसको कहते हैं ना, एक वो जो म्यूजिक, आज भी आप किसी से पूछोगे हर कोई कहता है कि बॉलीवुड म्यूजिक के मुकाबले जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है वो बहुत बेहतर है, और हमेशा से रहा। और हम लोग अक्सर 90s या अर्ली 2000 तक भी, 2004-5 तक भी, जब यूफोरिया, इंडियन ओशन और ये सारे बैंड जो है एक्टिव थे, जब वो म्यूजिक करते थे तो कितना हार्ट एंड सोल डाल के और बहुत जबरदस्त बनता था। तो जब आप जैसे या दीपा जैसे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब मेरे को ये उम्मीद लगती है कि हाँ यार, वापस से वो टाइम आ सकता है। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल कॉम्पोजिशन हो, बिकॉज आप में वो बात है। सो ओरिजिनल म्यूजिक को लेके, इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लेके क्या सोचते हो? क्या पॉसिबल है कि वो दौर वापस से ला सकते हैं? जरूर जरूर, क्यों नहीं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत जरूरी भी है, और अगर आपके पास जनता है सुनने के लिए तो जरूर आपको ओरिजिनल्स निकालने चाहिए। एंड आपकी बात, आपने एक साल पहले मुझसे बोली थी कि हाँ, ओरिजिनल्स पे काम करना, मैंने, मुझे याद थी। और काफी ओरिजिनल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, बट सही टाइम आने पर वो रिलीज हो जाएंगे, तो उसका इंतजार है बस। तो जरूर ओरिजिनल्स पे काम चल रहा है। परफेक्ट है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जब हम अक्सर उपदेश में और हम तमाम सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं, मान लीजिए जैसे अक्सर ही जिक्र आता है पंजाब का म्यूजिक, या नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक हो गया, और बंगाल की तरफ जो म्यूजिक हो रहा है, राजस्थान में बहुत सारा उपदेश, बिकॉज वहां भी काम करता है, तो वहां भी बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो रहा है और वो बहुत ही कमाल का है। गुजराती में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कमाल की बात यह है कि जो जितने म्यूजिक कंपोजर, चाहे वो अमित त्रिवेदी हो, सचिन जिगर हो, या दिव्य कुमार जैसे जो आर्टिस्ट हैं, वो मुंबई में भी काम कर रहे हैं, ध्वनि भानुशाली जैसे, और वो अपने नेटिव जहां जहां पे वो लोग हैं वहां पर भी उनका बहुत सारा काम चल रहा है। तो आई थिंक ये एक मौका भी है, अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास में कि कुछ बेहतर उस तरह का काम हो। सो ये मजे ले रहा है ये आदमी यार, ये उपदेश ही है हमारा यूवी म्यूजिक, कह रहा है गाना कावे भाई भी सुना दो जबरदस्ती मजे लेने के लिए, बताओ। चलो दीपा सुनाएगी अगला गाना, दीपा पाड़ी गाना कोई अरे मजे लेते रहते हैं लोग चलो दीपा सुनाएगी अगला गाना। लॉकडाउन है, सबका टाइम चल रहा है या हिलमा, हिलमा चांद को बटना, रहता दिल मा तुम्हारे रटना, उबे हिल मा चांदे बटना, रहता दिल मा तुम्हारे रटना, उबे हिल मा चांदे को बटना, रहता दिल मा तुम्हारे रटना। पन खाई सुपारी खाई अमन बिड़ी को, पन खाई सुपारी खाई अमन बिड़ी को, कुछ ते कुछ मेरो दर्द बिड़ी को, पन खाई सुपारी खाई अमन बिड़ी को, पन खाई सुपारी खाई अमन बिड़ी को, कुछ तेरो कुछ मेरो दर्द बिड़ी को, कुछ तेरो कुछ मेरो दर्द बिड़ी को, उबे हिलमा चांद को बटना, उबे हिलमा चांद को बटना, रहता दिल मा तुम्हारे रटना, उबे हिलमा चांद को बटना, रहता दिल मा तुम्हारे रटना। तो दीपा, अगला सवाल तुम्हारे लिए, जब इतना खूबसूरत गाती हो, इतनी कमाल की आवाज ऊपर वाले ने दी है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा तो सिर्फ अंदाज होता है, आवाज तो ऊपर वाला देता है, और जब मिली हुई है तो इतना कम क्यों गाती हो? सॉरी हाँ सॉरी बाद में कहना मैं कह रहा हूँ जब ऊपर वाले ने इतनी कमाल की अरे भैया नेटवर्क नहीं आ रहे यार, तो फ्री का नेट क्यों चला रहे हो, थोड़े पैसे खर्च किया करो।
बगल वालों के नेट वाईफाई से कब तक चलाओगे? आवाज आ रही है? अच्छा, नेटवर्क में ये भी हो जाता है कि आप जोक क्रैक करने की कोशिश करो, आपको लगता है कि ये तो गया ही नहीं, वो आवाज ही मैं नहीं पहले गई। बगल वालों के यही बैठी हुई थी, अब आके मैं जानता हूँ मेरे आसपास कितनी गरीब जनता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए बोला मैंने। हाँ जी, आप हाँ जी, I'm so sorry for this inconvenience. मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि और दिन ही बहुत बिल्कुल एकदम बिंदास चलता है. आज I don't know what's wrong with the phone and what's wrong with the network. इसने सोच लिया आज मुझे जीने नहीं देना, आज इसने नेटवर्क. हमारी बारात में बारिश आएगी, पता था मुझे. सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आवाज आ रही है? व्हाट्सएप कर दूं क्या? क्वेश्चन. अरे ये तो नेट बिल्कुल ही चला गया यार. ओके, सो बिल्कुल ही चला गया नेट. खैर, दीपा को, यस 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 यस, सॉरी, कनेक्ट हो रही है. दीपा आवाज आ रही है? अगेन अगेन अगेन, अभी क्वेश्चन पूछिए आप, अभी मैं पूरा सुन के आपको आंसर देती हूँ, प्लीज. दीपा धामी ना, दीपक चौरसिया हो गई अभी. दीपक आवाज आ रही है तुम्हें? दीपक वैसा हो गया है. क्रिटिसिज्म के टाइम पे सब सुन, हाँ ये यही तो दुनिया यही तो करती है, अच्छे कमेंट कोई नहीं सुन पाता. सो अरे भाई, इसने तो अंधेरा ही कर दिया. अब मोदी जी इसे कह के एक दिया इनके यहाँ भी जलवाना पड़ेगा. खैर, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो सेशन 52 मिनट्स हो गए हैं. 45 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं हम, लेकिन अक्सर ऊपर चला जाता है बिकॉज इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं लगातार. तो लोग खाना खा चुके हैं, कह रहे हैं कि डिजर्ट में कुछ बढ़िया सा मिल जाए स्वरूप की जबानी तो मजा आ जाए. तो अगला गाना कौन सा सुनाने वाले हो स्वरूप? जैसे ही डेजर्ट की बारी आई तो मेरे गाने में, मेरे ज़हन में गाना आया, चाशनी. चाशनी, ओ मिट्टी मिट्टी चाशनी. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो श्योर, गो अहेड. तो जैसे लोगों ने खाना खा लिया है और स्वीट डिश का इंतजार कर रहे हैं, ये आपके लिए है. ओके. जुबा है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी. करूँ मैं ये गुजारिशे, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा बोल दे. तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी. मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं ना मांगू चांदनी, तेरे होने से मुझ में हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी. मेरे ख्यालों में जो तू तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता, देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता. ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिश है, तुझी में देखूं मैं शुरू तेरी ही फरमाइश है. तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा तू मेरी, इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी. मैं ना मांगूंगा धूप धीमी धीमी,
मैं ना मांगू चांदनी, तेरे होने से मुझ में हो इश्क की चाशनी। चाशनी भी हो गई अब। चाशनी भी हो गई अब। यस। सो दीपा फाइनली तुम्हें आवाज आ रही है, तुम दीपक चौरसिया के बजाय दीपा धामी बन गई फिर से। ओके परफेक्ट है। सो एक लास्ट गाना आपकी जबानी कौन सा होगा जो आज जितने लोग देख रहे हैं उनको आप सुनाना चाहोगे? दीपा का स्वरूप की आवाज पूरी आ रही है बट आपकी आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। अच्छा कैसे बताऊं, स्वरूप आप बोल दो इनको कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा। ओके ये कह रहे कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाने वाली हैं आप? दिस सॉन्ग एक ये मेरा भग्यानी एक सॉन्ग है जिसमें 1 मिलियन जो व्यूज हुए थे एंड एल बी शिवम भाई के साथ मैंने ये सॉन्ग गाया था, तो इसको मैं फ्यूज करूंगी एक बॉलीवुड गाने के साथ। क्या बात दीपा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आपके लिए तो कमेंट आ रहे हैं, स्वरूप को कह रहे हैं कि मनी हाइस्ट का प्रोफेसर है। बहुत सही। चलो स्वरूप व्हाट इज ही सेइंग, आई एम नॉट गेटिंग हिम। वो कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं
और मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मैं मनी हाइस्ट का प्रोफेसर लग रहा स्वरूप, एक बार इनको दीपा को बोलो, बिकॉज मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। दीपा के लिए आ रहा था, ठंडोरे ठंडो की अगर दो लाइनें हो जाएं तो। ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट आई है ठंडोरे ठंडो वाला जो गाना है उसकी दो लाइन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। श्योर। बहुत सुंदर दीपा जी, लेकिन क्या करें, आपको हमारी आवाज आएगी। स्वरूप की तरफ आ रहा हूँ। स्वरूप, तुमसे स्वीट हार्ट सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है, पब्लिक ऐसा कह रही है, तो एक बार तुम स्वीट हार्ट सुना दो, उसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख चुके हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, तो एक गाने की दो लाइनें मैं भी सुना दूंगा पहाड़ी वाली, उससे पहले तुम स्वीट हार्ट सुनाओ। कैसे मैं कहूं शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है, ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती, सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन, मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाजनी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ये था स्वीट हार्ट। यस, ये था स्वीट हार्ट। और आपके काफी फैंस जो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, एक निकिता कामले हैं, क्रिस्टल है, साक्षी निगम है, ये लोग लगातार कह रहे हैं, और आई थिंक इनमें से कोई मराठी गाना भी सुनना चाह रहा था। अब मुझे पता नहीं यार, मराठी स्वरूप को आता है, दीपा को आता है नहीं आता है, और एक्चुअली वैसे अगर मैं बोलूं पर्सनली, मैं आपके महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पुणे में 2 साल पहले आया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो बड़ा जबरदस्त लगा था मुझे पुणे शहर भी, और मेरे को देहरादून जैसी फील दे रहा था बिकॉज बारिश भी खूब होती है, ग्रीनरी भी बहुत होती है, सो बड़ा कमाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई गाना वहां का सीख नहीं पाया, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, अदरवाइज मुझे गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणा के और उत्तराखंड के कुछ गाने आ जाते हैं, बंगाल के भी एक आध आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी आ जाते हैं, पर महाराष्ट्र के नहीं आते। तो नेक्स्ट टाइम आप सिखाएंगे तो मैं और स्वरूप जो है आपके साथ में परफॉर्म कर लेंगे, राइट? सो अच्छा तुम सुनाओगी, दीपा सुना दो यार। हाँ हाँ सुनाओ ना प्लीज प्लीज। यही कह रही हूँ कि अभी मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर ली हूँ, तो अभी आई एम गेटिंग यू प्रॉपरली, तो आपको कुछ भी पूछना है तो नाउ यू कैन आस्क मी। अच्छा ठीक है, तो दीपा तुमको अच्छा क्रिस्टल कह रही है अंग्रेजी इंग्लिश टू, अच्छा यार ठीक है, अगली बार कोशिश कर लेंगे। अंग्रेजी में अपना हाथ उतना ही तंग है जितना अंग्रेजी वालों का हिंदी में, सो ओके। दीपा कोई मराठी गाना आता है क्या तुमको? मराठी जी स्कूल में गाए थे भैया, ऐसे नहीं आते मतलब गढ़वाले टीचर्स ने मराठी गाने के गाए थे तो वो थोड़े से यू नो नहीं आता। कौन सा है इंग्लिश इंग्लिश में कौन सा मराठी गाना है? मेरी वाइफ बता रही है वहां से किचन से, इंग्लिश इंग्लिश में कौन सा मराठी इंग्लिश इंग्लिश वो उसने अमित त्रिवेदी उसमें आई थिंक साउंड ऑफ द नेशन में भी परफॉर्म किया था उन्होंने। हाँ 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 सुना दो सुना दो सुना दो सुनाओ सुनाओ ये गाना मुझे नहीं आता, सॉरी चलिए कोई बात नहीं। यस 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 चलिए ठीक है निकिता, थैंक यू सो मच, काफी सो कूल कोशिश है। मेरी वाइफ कहती है कि ये सिर्फ वीडियोस पे और ऑफिस में कूल है, घर में मुझसे पूछो ये आदमी बिल्कुल कूल नहीं है, ऐसा बोलते रहती है मेरे को। आमतौर पे मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ यार, बिकॉज हम लोग रेगुलर लाइफ में क्योंकि रेडियो करते हैं 4-5 घंटे, वहां पे शो चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव होते हैं, तो जब कूल नहीं भी होना होता है तब भी पब्लिक के लिए, बिकॉज वही बात है ना, मनोज सी शक्ल लेके बैठ जाऊंगा किसको पसंद आएगा, क्यों स्वरूप गलत कह रहा हूँ बताओ? बिल्कुल सही बात बोली। लाइव करने के बाद मैं भी अलग फेस होता है मेरा और कैमरे के आगे अलग फेस होता है, तो इट हैपेंस। एग्जैक्टली जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनके साथ ये होता भी है कि अंदर वो कितने भी गम हो अपने को दम लगा के परफॉर्मेंस देनी होती है, और लोगों को अक्सर वो देना होता है जो उनको चाहिए, वो नहीं जो हम फील कर रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक चार्ली चैपलिन की बड़ी कमाल की एक लाइन है जहाँ पे वो कहते हैं कि जब भी मेरा रोने का मन करता है मैं बारिश में निकल जाता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू न देख पाए, क्योंकि दुनिया मेरा सिर्फ हंसना और हंसाना देखना चाहती है। सो वो अपने आप में बताओ चार्ली चैपलिन जैसा व्यक्ति जब इतनी बड़ी बात कह देता है। रवि रावत कह रहे हैं अल्मोड़ा से, भाभी जी बता रही है भाई साहब किचन से, हाँ हाँ वहीं से बताती हूँ अक्सर, मैं यहीं रहता हूँ वहीं से आ जाता है कुछ ना कुछ ऐसे। सो खैर तो आज का सेशन अपने आप में बहुत कमाल, आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। और यस जाते जाते दो लाइनें वो जो स्वरूप ने ही गाई थी वही गाना मेरे को भी याद आ रहा है, उसी की दो लाइनें सुना देता हूँ क्योंकि आप में से फिर बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो वो मेरे को बड़ा पसंद है, मैंने दर्शन रावल से जब गवाया था, इनफैक्ट आई थिंक उपदेश और किसी और ने भी बोला था दर्शन, और मैंने उसको जब मैं सिखा रहा था, स्वरूप और दीपा आपको बता रहा हूँ, तो दर्शन रावल को जब मैं सिखा रहा था वो गाना, उसने और मैंने जब गाया, एक्चुअली जब हमने बाद में ऑडियो सुना उसका और मेरा वॉइस बिल्कुल सेम हो गया, ये कह रहे इसमें उसने कौन सी लाइन गाई है आपने कौन सी गाई है पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी आवाज में बड़ा बेस है, तो उस हिसाब से खैर। तो ये हमारे यहाँ का एक बड़ा कमाल का गाना है, बहुत पुराना गाना और बड़ा पॉपुलर है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे नाखे की नथुली, के भली छाजी रे नाखे की नथुली, हाय तेरी रुमाला
इतना ही आज के लिए सुनाऊंगा, क्योंकि सिंगर सामने दो बैठे हैं, मैं तो खाली बोलने वाला आदमी हूँ, तो इससे ज्यादा बहुत बढ़िया, इतना सुना बहुत है आपको गाते हुए, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया गाते हैं आप। अरे तुम इंडियन आइडल के अनुमानिक मत बनो। जैता एक दिन तो आलो ये दिन यो दुनी में, आई मीन जस्ट वाओ, क्या बढ़िया गाते होगा ना। चलो उसकी भी दो लाइनें हो जाए फिर, अब जब मौसम बदल गया तो ततुक नी लगाओ देख घुनन मुनाई नी टेक, ततुक नी लगाओ देख घुनन मुनाई नी टेक, जेता एक दिन तो वालो ओ दिन या दुनी में, ओ जेता एक दिन तो वालो ये दिन या दुनी में, जब त्यार मेरा निहोल जब नंटुला निरोल, जब त्यार मेरा निहोल जब नंटुला निरोल, जेता एक दिन तो आलो वो दिन या दुनी में। सो जितने हमारी नॉन पहाड़ी ऑडियंस है, जो हिंदी ऑडियंस है, उनको बताना चाहता हूँ इस गाने के मायने क्या हैं। इसके मायने ये हैं कि जेता एक कैरेक्टर के उसमें लिया गया है, कि मतलब कि जब कोई इस दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होगा, जब इस दुनिया में कभी लालच और लोभ नहीं होगा, जब इस दुनिया में तेरा मेरा नहीं होगा, सब कुछ अपना होगा, वो दिन इस दुनिया में जरूर आएगा, कोशिश करके तो देखिए। तो ये हमारे स्वर्गीय गिरदा का गाना था, जिसको आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, तो बड़ा ही पॉजिटिव गाना एक्चुअली मेरे को लगता है, तो इसलिए मैं अक्सर इसको गाता हूँ। सो थैंक यू सो मच स्वरूप एंड दीपा, आप दोनों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और हमेशा ही आप लोग एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। आप मेरे जो उत्तराखंड से यंग आर्टिस्ट की लिस्ट है, उसमें से आप दोनों भी हैं, जो जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अक्सर कोशिश करता हूँ कि जब भी मौका लगे यार आप लोगों को ले आया जाए। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप दोनों को भी मजा आया। क्या बोलते हो स्वरूप? बट नेटवर्क ने मेरे मजे में बहुत ज्यादा खलल डाला, बड़ी शर्मिंदा हूँ, और आपसे भी सॉरी कहना चाहूंगी इंटरव्यू के लिए, प्लस जितना भी था मुझे बहुत मजा आया, पूरा लाइव दोबारा से देखूंगा। हाँ उपदेश कह रहा है काफी भाई आप मुंबई आ रहे हैं। अरे हम गांव जा रहे हैं तुम्हें पता तो है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा, और आप सब देखने वालों को भी बहुत सारा प्यार, इसी तरह देखते रहिए, और हमारे उत्तराखंड के कुछ कमाल के आर्टिस्टों को मैं लगातार इस इन प्लेटफॉर्म्स पे लेके आता हूँ। और दीपा और स्वरूप को अगर देखना है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये पहले भी आ चुके हैं हमारे साथ। सो उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज वहां पे देख सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप दोनों को, ही जल्दी मुलाकात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टेक केयर। All right, thank you so much guys, खाना खाइए, सो जाइए, thank you।